नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पर मिली शुभकामनाएं, पीएम मोदी ने कहा देवभूमि के विकास के लिए सबसे आगे रहते हैं धामी। उत्तराखंड में प्रदेश महिला कांग्रेस का सीएम आवास कूच, 21 सितंबर को विभिन्न मुद्दों को लेकर किया जाएगा प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक। लक्सर पुलिस की नशे के खिलाफ छापामार कार्रवाई, 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक स्मैक तस्कर भी चढ़ा हत्थे। पुलिस आरोपियों से कर रही पूछताछ। उत्तराखंड में ईद मिलाद उन नबी मनाया गया हर्षोल्लास के साथ। जायरीन पहुंच रहे कलियर शरीफ, साबिर पाक की दरगाह पर चढ़ाए फूल। और भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जनजीवन अस्त व्यस्त। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ में आज छाए रहे हल्के बादल। पिथौरागढ़ के धारचूला में भारी भूस्खलन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिवस पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश इस समय प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। उन्होंने अपने जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से अनुरोध किया कि इस अवसर पर आपदा पीड़ितों के पास पहुंचकर उनकी हर संभव मदद करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर क्षेत्र में तेजी से काम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश भर के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए उनको बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हार्दिक शुभकामनाएं, जो राज्य को बदलने के लिए विभिन्न पहलों में सबसे आगे हैं। अमित शाह ने सीएम धामी को शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि बाबा केदारनाथ से आपके स्वास्थ्य और सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। तो वहीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों जिनमें भजन लाल शर्मा, विष्णुदेव सहाय, मोहन यादव ने भी सीएम धामी को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इसलिए भाजपा संगठन की तरफ से दोनों नेताओं के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का काम किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हर जिले में कार्यक्रम होंगे। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है, उनकी दीर्घायु के लिए हमने सभी जिला मुख्यालय व मंडल स्तर पर हवन पूजन का अनुष्ठान के कार्यक्रम रखे हैं, मरीजों को फल वितरण के कार्यक्रम रखे हैं और सेवा के अनेक कार्य आज कार्यकर्ताओं द्वारा सभी स्थान पर हो रहे हैं। कल से सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम है, 17 तारीख को प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है और 2 अक्टूबर तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हम लोग जहाँ 17 तारीख को युवा मोर्चे द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, 18-24 तारीख तक हम लोग प्रत्येक मंडल में स्वच्छता के कार्यक्रम चलाएंगे, 25 तारीख को दीनदयाल जी की जन्मदिवस के दिन स्वच्छता के साथ साथ और स्वच्छता के कार्यक्रम को हमने स्वरूप दिया है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जहां गांधी जी की प्रतिमाएं हैं उन प्रतिमाओं में स्वच्छता का कार्यक्रम माल्यार्पण और उस दिन प्रत्येक कार्यकर्ता खादी भंडार में जाकर एक खादी का वस्त्र खरीदेगा। ये कार्यक्रम सेवा के भाव के कार्यक्रम और स्वच्छता के कार्यक्रम से जुड़ा हुए कार्यक्रम रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर आज भाद्रपद महाशुक्ल पक्ष त्रयोदशी सोमवार को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित अधीनस्थ मंदिरों श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, श्री नृसिंह मंदिर जोशीमठ, तृतीय केदार तुंगनाथ सिद्धपीठ कालीमठ में विशेष पूजा अर्चना और हवन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के दीर्घायु और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की गई। आज
इस दिव्य क्षेत्र में, इस ज्योतिर्लिंग में हमारे उत्तराखंड के समृद्ध राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नूतन जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भगवान श्री केदारेश्वर के दिव्य चरणों में महा अभिषेक किया गया। उनके मनोरथ के लिए, इस राज्य के समृद्धि के लिए और उनकी भविष्य की उज्जवल कामनाओं के लिए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से और यहाँ पर भगवान केदारनाथ के दिव्य चरणों में भगवान का पूजन अर्चन करके भगवान से प्रार्थना की गई कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी दीर्घायु रहें, यशस्वी रहें, आरोग्यवान रहें, ऊर्जावान रहें और इस राज्य की तन मन धन से समृद्धि के ओर लेकर के इस उत्तराखंड राज्य की वो सेवा करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 50वें जन्मदिवस पर रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा ने सिविल अस्पताल में जाकर फल बांटे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर अस्पताल के सभी मरीजों को फल वितरित किए गए। और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिवस में आज हम लोग अस्पताल में फल वितरित करने आए हैं। आज पूरा प्रदेश और पूरा देश जन जन के प्रिय नेता पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिवस मना रहे हैं। आज का दिन हम लोग युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं और सभी जगह सेवा कार्य चल रहे हैं, विश्राम वितरित हो रहा है और सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि धामी जी की उम्र लंबी हो, उनकी सेहत अच्छी रहे, स्वस्थ रहें ताकि वो प्रदेश को आगे बढ़ा सकें और जो संकल्प उन्होंने लिया है प्रदेश को अग्रिम राज्य बनाने का उसको पूरा करें और हम सब लोग सभी युवाओं के साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर हम उनका संकल्प पूरा करेंगे। 21 सितंबर को उत्तराखंड महिला कांग्रेस द्वारा सीएम आवास पर कूच किया जाएगा, जिसमें प्रदेश में महिला अपराधों के मामलों में भाजपा नेताओं की संलिप्तता पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में पीड़ित के परिवार को न्याय और कानून व्यवस्था के साथ ही बढ़ते आपराधिक मामलों में महिला अपराधों में सरकार की विफलता जैसी मुख्य मांगों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। इसके तहत कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रदेश महिला कांग्रेस की तरफ से सीएम आवास कूच का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रदेश में महिला अपराधों के जो मामले हैं उसमें भाजपा नेताओं की जो संलिप्तता है उसका विरोध किया जाएगा। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि अंकिता भंडारी जो मर्डर केस है उसमें पीड़ित के परिवार को न्याय और कानून व्यवस्था के साथ ही बढ़ते महिला अपराधों में सरकार की जो विफलता रही है इन मांगों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। मांगे तो बहुत सारी है लेकिन मुख्य जो मांग है इस प्रदेश में जिस तरीके से लगातार पिछले 2 सालों में आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के ऊपर जिस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं, बलात्कार की घटनाएं, अत्याचार की घटनाएं और जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं लेकिन उनपे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। मुख्य मांग हमारी महिला सुरक्षा है, उसमें हम अंकिता भंडारी को भी शामिल कर रहे हैं क्योंकि अंकिता भंडारी के केस को 2 साल 18 तारीख को हो रहे हैं लेकिन अभी तक उसमें जजमेंट नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सरकार का फेलियर है कि हमारी जो महिलाओं के साथ इस प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं वो उसको सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं और उसके खिलाफ हमारा इस तरह का मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। बीजेपी के सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने एक देश एक चुनाव पर जानकारी देते हुए बताया कि इससे देश को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं।
साथ ही बहुत सारे खर्च इस फैसले से बचेंगे। उन्होंने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल बहुत झूठे आदमी हैं, उनकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं है। इस्तीफा देना था तो पहले ही देते, जब जेल में थे इतने सारे घोटाले किए, जनता को गुमराह करने का काम किया। केजरीवाल जैसा नेता आज तक शायद किसी ने देखा नहीं, इतना झूठ बोलने वाला, जनता को गुमराह करने वाला ऐसा नेता पहली बार शायद जनता ने देखा होगा। इस्तीफा देना होता तो जेल में था तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था। झारखंड के भी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, फिर आ गया तो कानूनी प्रक्रिया के तहत। अब ये कह रहा है कि साहब इस्तीफा दूंगा, कितने दिन होगा इस्तीफा दे बोलते बोलते, बताओ ना मुझे, क्या यकीन है क्या? तो झूठा आदमी है, जनता को गुमराह आज अब नहीं कर सकते। आगामी चुनावों को लेकर भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ गई है। भाजपा तेजी से सदस्यता अभियान चला रही है, तो वहीं महिला कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस की सदस्यता अभियान पर भाजपा ने तंज कसा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 2 सितंबर से शुरू हुआ भाजपा सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है, लोग भाजपा की सदस्यता लेने के लिए आतुर हैं, लगातार जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में न तो कोई संविधान है और न ही व्यवस्था, इसलिए महिला कांग्रेस अलग सदस्यता करेगी। उनको अलग से मोर्चों के सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है कि जो बीजेपी का मूल सदस्य बनेगा वो मोर्चे के युवा मोर्चा, युवा उम्रदराज युवा मोर्चे में जाएगा, महिलाएं महिला मोर्चे पदाधिकारी बनेंगी, लेकिन सदस्यता मोर्चे से हमारे व्यवस्था नहीं है। और हमारे यहाँ संविधान में उल्लेख किया है प्राथमिक सदस्यता का, पहले शुल्क था, अब हमने संविधान में सुंदर करते हुए निःशुल्क सदस्यता और मोबाइल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से और नमो ऐप के माध्यम लोग करा रहे हैं। इसके साथ साथ जिन घरों में मोबाइल नहीं है उसके लिए हमारे फॉर्म सदस्यता के, उन सदस्य के माध्यम करा रहे हैं। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बनबसा क्षेत्र के 3 युवकों को स्कैमिंग का काम कराए जाने के लिए म्यांमार को बेचने वाले अभियुक्त को चंपावत पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। बनबसा क्षेत्र के बंधक 3 युवकों को भारतीय दूतावास के माध्यम से सकुशल वापस लाया गया। भारतीय दूतावास के सहयोग से सभी गुमशुदाओं को चंपावत पुलिस ने सकुशल उनके घर पहुंचाया। वहीं अपने बच्चों को सपोर्ट कुशल घर वापस पाकर परिजन ने चंपावत पुलिस की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। एक अपराधी जो इसमें इन्वॉल्व था, जय जोशी, जो मूल रूप से गुजरात का रहने वाला और उसका वास्तविक नाम जो है जयदीप रामजी टोकड़िया है, जो टुकड़ा पोरबंदर से रहने वाला है, तो इसका नाम प्रकाश में आया जिसने इनको रिक्रूट किया था। तो इस संबंध में जब पुलिस वहाँ पे गुजरात में गई थी तो उसको अरेस्ट करके ट्रांजिट रिमांड लेके यहाँ पे लाया गया। इसके अलावा भी एक राहुल उपाध्याय का नाम प्रकाश में आ रहा है जो अभी इस मुकदमे में वांछित है, इसमें आगे की विवेचना जारी है। रुक करेंगे अगली खबर का, खबर हरिद्वार से है। आपको बता दें कि हरिद्वार में देर रात हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि बीते 1 सितंबर को हरिद्वार शहर के श्री बालाजी ज्वेलर्स शोरूम में 6 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद से हरिद्वार पुलिस और SDRF की कई टीमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित अन्य कई राज्यों में बदमाशों की तलाश कर रही हैं।
आईजी गढ़वाल ने कहा कि देर रात चेकिंग के दौरान बहादराबाद पुलिस ने बाइक सवार दो युवकों को रोकने की कोशिश की। बाइक सवारों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी और मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बाइक सवारों का पीछा करते हुए पथरी रोप पुल के पास रोकने की कोशिश की। यहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। आरोपी मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी दूसरा जो था वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। बाइक सवार आते हैं, रात के 9:30 बजे की बात है, उनके द्वारा रोके जाने पर ना रोक करके वो तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो पुलिस के द्वारा जैसे ही पीछा करने का प्रयास करते हैं तब उनके द्वारा फायर किया जाता है। तो वहाँ के जो CCTV फुटेज है, वहाँ के जो पब्लिक खड़ी थी उनके द्वारा भी इस बात को तस्दीक किया गया, तो पुलिस के द्वारा पीछा किया कि कहीं ये वही बदमाश तो नहीं है। तो पीछा करने पर इसी जगह पर ये इनकी बाइक रपट जाती है और तेजी से अपने बचाव में ये लोग जंगल की तरह सामने भागते हैं। पुलिस दल भी पीछे पीछे जा रहा होता है, जिससे 50-100 मीटर के आगे ये दिख रहा है करीब, यहाँ पर इनके द्वारा पुलिस पर फिर फायर किया गया। तो पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा इनके ऊपर फायर किया, जिसमें बदमाश को चोटिल हुआ और उसको हॉस्पिटल ले गए। हरिद्वार में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश के मारे जाने के बाद DGP अभिनव कुमार ने पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने वाले बदमाश की 1 सितंबर को हरिद्वार में बालाजी शोरूम में हुई डकैती में शामिल होने की पुष्टि की। इसके साथ ही DGP ने बताया कि इस प्रकरण में अन्य 2 बदमाशों की गिरफ्तारी भी की गई है। अभी तक इस प्रकरण में 50 लाख की ज्वेलरी की रिकवरी हुई है। DGP अभिनव कुमार ने हरिद्वार पुलिस को मामले में तेजी के साथ काम करने के लिए बधाई देते हुए पुलिस टीम के लिए 1 लाख के इनाम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम की बहादुरी को देखते हुए टीम को पदक दिलाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही पुलिस का प्रयास रहेगा कि इस डकैती का 100% सामान पीड़ित को वापस दिलाया जाए। ये जो जो घटना हुई थी 1 सितंबर को हरिद्वार में, ये इतनी बड़ी घटना थी पूरे प्रदेश के लिए, एक तरह से सिर्फ पुलिस विभाग के लिए नहीं, सरकार के लिए भी एक बहुत चिंता की बात थी। और इसमें जिस तरीके की बाद में प्रतिक्रिया भी आई, कई लोगों ने इसमें पुलिस पे, सरकार पे और हमारे प्रदेश की अपराध और कानून व्यवस्था पे सवाल भी उठाए, चिंतन भी किया, आलोचना भी की। जायज़ बात है, होनी भी चाहिए जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती है। पर मुझे लगा कि चूंकि इसमें जिस तरह से काम हुआ है और हमारी टीम ने खासतौर से SSP हरिद्वार के नेतृत्व में जो हमारी टीम इस घटना के खुलासे में लगी थी, तो जिस तरह से कल रात भी और अभी आप लोगों को पता चला होगा, अभी 2 और इसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं जो इस गैंग के सदस्य, उनसे भी कुछ रिकवरी हुई है। लालकुआ में जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में नन्हे मुन्ने, बड़े और बुजुर्ग सभी मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान लोगों ने मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर फल और मिठाई बांटकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सुरक्षा की दृष्टिगत जुलूस में पुलिस बल भी तैनात रहा। ये जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारा जो है त्यौहार है, हर साल मनाया जाता है 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जो सबसे अहम पैगाम है वो शांति का पैगाम है, अमन व सुकून का पैगाम है और भाईचारे का पैगाम है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो उससे पहले पूरी दुनिया के अंदर जुल्म व ज़्यादती हुआ करती थी, बिलखसूस महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ करते थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले तकरीबन जब इस दुनिया में आए तो महिलाओं पर जो अत्याचार होता था, सबसे पहले दुनिया इंसानियत में महिलाओं के हक में बोलने वाले हमारे और आपकी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि चारों धामों में तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। अब मौसम खुलने के बाद तीर्थ यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिली। सड़कों पर मलबा आ जाने की वजह से कई जगह पर मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। अब सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम की समाप्ति के बाद यात्रा में तेजी आएगी और सभी धर्मों में 2 गुनी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचेंगे।
तीर्थयात्री इस समय कहीं भी नहीं फंसे हुए हैं, केवल थोड़ा सा पोर्शन जो आदि कैलाश यात्रा पर गए थे कुछ लोग हैं जिनकी संख्या बहुत कम है। कल मैक्सिमम लोगों को निकाल लिया गया है क्योंकि धारचूला से तवाघाट का रास्ता बंद हो गया था, तो जो लोग फंसे थे सबको कल निकाल लिया गया। लगभग जो लोग बचे हुए हैं आज सब निकल जाएंगे। चार धाम यात्रा हमारी सुचारू चल रही है, कल काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने दर्शन किए हैं। जो हमारे मुख्य मार्ग हैं सारे के सारे खुले हुए हैं और जो सड़कें बंद हैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि उसको तत्काल खोला जाए। उसी क्रम में आज मेरे द्वारा बैठक रखी गई है, अभी हम आईटी पार्क जाएंगे USDMA ऑफिस में, वहाँ से हम बैठक करेंगे लोगों के साथ में। और जो रास्ते बंद दिखाए जा रहे हैं मैक्सिमम रास्ते खुल भी गए हैं उसमें से, तो उसमें हम एक बार मिलान भी कराएंगे कि जो रास्ते बंद दिखाए जा रहे हैं क्या वास्तव में बंद हैं क्या, क्योंकि जो मेरी जानकारी है मैक्सिमम रास्ते खुले हुए हैं उसमें से। हरिद्वार में रुड़की के पिरान कलियर के सूफी रशीद के एक बयान से विवाद बढ़ गया है जो पाकिस्तान से आए ज़ायरीन से जुड़ा है। दरअसल पिरान कलियर में हर साल उर्स मेले के मौके पर पाकिस्तान से ज़ायरीन आते हैं, जिनको पिछले साल उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने गंगाजल, श्रीमद् भागवत और रुद्राक्ष की माला भेंट की थी। लेकिन इस बार पिरान कलियर के जमात रसूल चिश्ती ट्रस्ट के अध्यक्ष सूफी राशिद ने उर्स के 756वें मेले में पाकिस्तान से आने वाले ज़ायरीन के स्वागत में गंगाजल, श्रीमद् भागवत और रुद्राक्ष की माला भेंट नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जो भी ज़ायरीन उर्स के मौके पर पिरान कलियर आएंगे उन्हें उनकी परंपरा के अनुसार खजूर और कुरान उपहार के रूप में देंगे। सूफी रशीद के इस बयान पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कड़ा एतराज जताया। बिल्कुल गीता नहीं देनी चाहिए, उनको गंगा जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम परंपरा के हिसाब से ये हमारा नहीं बनता है। हम उनको कुरान गिफ्ट करें, खजूरें गिफ्ट करें, साबिर पाक की चादरें गिफ्ट करें, ऐसा कोई तबल्लुक दें जो वो लोग लेकर अपने घर में सरकार साबिर पाक का, नबीयीन, सिद्दीकीन, शहीदान करबला और औलिया अल्लाह का फैजान लेकर अपने मुल्क वापस जाए। गंगा जल दिया गया था उन्हें, क्या वो इस्तेमाल कर पाएंगे? देखिए, गंगा जल जो दिया गया था वो हमारे हिंदू भाइयों की परंपरा है और गंगा एक पूजनीय माता है और उनका हम सब लोग भी आदर मान करते हैं, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान में यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे को कायम करने के लिए गंगा में तो हम खुद भी आते हैं, जाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन परंपरा के मुताबिक उनको नहीं देना चाहिए। मुझे लग रहा है जो भाषा सूफी साहब की तरफ से बोली जा रही है ये पाकिस्तान की भाषा है। लगातार हम ये कोशिश करते रहे कि वहाँ से वो वीडियोज़ आएंगे, वो वीडियोज़ भी नहीं आए। मेला प्रारंभ कल से होने जा रहा है, हम भी देखना चाहते हैं कि वो वीडियोज़ हमारे पास क्यों नहीं आए। इस भाषा को ये जो स्टेटमेंट आया है, मुझे लगता है ये शब्द सूफी साहब के हो सकते हैं लेकिन ये भाषा पाकिस्तानियों की भाषा है। अगर वो प्यार से रहना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे यहाँ सम्मान है, हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं, लेकिन अगर वो सम्मान नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों के लिए कम से कम निजी तौर पे मेरे पास उनके लिए सम्मान नहीं। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।